जो रूरल फार्मासिस्ट हैं उन्होंने आज स्ट्राइक की हुई है। जो उनकी मेन मांगे हैं, एक तो है कि उनको रेगुलराइज करना किया जाए, दूसरा है कि उनका 50 लाख का जो बीमा है बाकी हेल्थ केयर वर्कर को मिल रहा है उनको भी दिया जाए। तो जो रेगुलराइज करने की बात है, इन्होंने एक हफ्ता पहले हमें मेमोरेंडम दिया था, जो मैंने सरकार तक इनका मेमोरेंडम पहुँचा दिया गया है, मगर अभी तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो जो इंश्योरेंस की बात है, वो आज सरकार ने स्पष्ट कर दी है कि जो भी इस कोरोना की लड़ाई में हमारे हेल्थ वर्कर जो लगे हुए हैं उनको 50 लाख का बीमा मिलेगा, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉय हैं चाहे वो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, सभी के लिए ये जो बीमा है वो लागू होगा। प्रोटेस्ट सर, हमने इसलिए हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, 14 साल से हम रूरल हेल्थ फार्मेसी ऑफिसर हैं, हम 14 साल से डिस्पेंसरियों में काम कर रहे हैं और बहुत ही कम हमारी सैलरीज हैं शुरू से ही जब से हमें अपॉइंट किया गया है। तो 2011 में डॉक्टर्स को रेगुलर कर दिया गया और हमको ऐसे छोड़ दिया गया। हमारी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है जिसमें हमारे घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो तब से लेकर अब तक सरकार हमें लारों में रख रही है। कभी अभी जब भी टाइम मिलता है किसी मंत्री से, किसी से भी मिलते हैं तो वो बोल देते हैं इस कैबिनेट में हम कर देंगे, अगली कैबिनेट में हम कर देंगे, पर होता कुछ नहीं है, कभी कुछ रिटर्न नहीं आता। अभी आप सेवाएं कहां दे रहे कोविड में? अभी हमारी कोविड, हम सारी इमरजेंसी सेवाएं देते हैं और अभी हमारी कोविड-19 में ड्यूटी लगा दी है। वैसे तो हम जिला के अंडर हैं लेकिन इन्होंने हमसे ड्यूटी लेने के लिए हमको सिविल सर्जन ऑफिस के अंडर कर दिया। तो अभी अगर हम अपनी प्रॉब्लम लेकर वहां जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप उनके अंडर हो, और अगर यहां पे बोलते हैं तो वो कहते हैं कि आप तो हमारे एम्प्लॉय नहीं हो, तो आपको तो हमने सिर्फ काम लेने के लिए बुलाया है। डिमांड सर हमारी यही है कि अभी 14 साल तो हो गए हैं तो हम इमरजेंसी ड्यूटी भी कर रहे हैं इतनी रिस्क में, ग्राउंड लेवल पर जाकर फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, तो अभी हमें रेगुलर किया जाए। और जैसे कि बाकी सारे इम्प्लॉयज को दे रहे हैं वो इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो इससे इसी बेस पर हमें भी इंश्योरेंस दी जाए। अभी तो एक दिन के लिए किया है प्रोटेस्ट, पहले भी हमने इसके बारे में सोचा था तो हमें कैबिनेट से या मंत्री से ये आश्वासन मिला था कि अभी आप ना बैठो हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी हमने सोचा कि अब एक दिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी तो फिर तो हम परमानेंट कर लेंगे स्ट्राइक, तो ऐसा ही फिर, और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, चाहते कि हम अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं जाएं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं पर हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है, हमने भी अपने घर देखने हैं। एक दिन का ही अज सारे पंजाब दे विच साढ़े 1186 फार्मेसी अफसर ते अहीं एक सारे जिलों दे विच उस तरह ही अमृतसर दै रोस प्रदर्शन तुहाडे सामने ही बैठे काली पट्टियां बंद के ही करने, एक दिन का बाइक कीता ही बंद ठप कीता काम जैसी सेवा जे ना साडियां 10 दिनों दे विच विच सेवावां जिहड़ियां वा ओह रेगुलर ना कीतियां गईयां ते सानू पूरे मुलाजम वाले बेनीफिट ना दिते गए, ते अहीं 10 दिनों तो बाद जिहड़ा वो पूरा काम एमरजेंसियां वाला ठप कर पहले की तरह अपनी डिस्पेंसरियों में जाके लोगों दी सेवावां जिहड़ियां करांगे डिस्पेंसरियों च।